आप सभी का स्वागत है अपना अपने यूट्यूब चैनल डायनेमिक डिजाइन सेंटर। तो देखिए आज आपका श्वसन का पार्ट टू आपका है, ठीक है। एक आपका पार्ट हो चुका है, उसमें आप देख लीजिएगा, तब उसको आपको आगे से अच्छे से समझना आएगा, ठीक है। तो चलिए आज श्वसन का क्वेश्चन आज का चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन आपका है तो मानव श्वसन तंत्र पूछेगा, या कह सकता है कि मानव का फेफड़ा का सचित्र वर्णन करो, ठीक है। या तो पूछे श्वसन तंत्र पूछेगा, या तो पूछेगा फेफड़ा, दोनों का आंसर एक ही होता है। क्वेश्चन फिर सुनिएगा, क्वेश्चन रहेगा आपका मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, यानी पहले फोटो बनाइए आप तब इसको बताइए, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सुनते हैं। पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और पूरा बढ़िया से फोटो बना लीजिएगा, ठीक है। और फोटो बनाने के बाद अब इसको देखिए कैसे बताएंगे। अच्छा देखिए, इसमें आपका पहला इसमें देखेंगे, स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से पहले बोलेंगे कि मानव श्वसन तंत्र जो होता है, यानी फेफड़ा जो होता है, यह जटिल रचना होता है। जटिल समझ रहे हैं, मानव श्वसन तंत्र एक जटिल रचना होता है, ठीक है। और मानव मुख की नली, मुख और नाक होता ना है, मुख और नाक दोनों की नली जो होती है वह आगे जाकर ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी आप देखे हो कभी कभी खाना खाते समय क्या होता है ना, खाना मुंह से चलाता है नाक में, नाक और मुख दोनों की नली क्या होता है, आपस में क्या होता है, मिला जुला होता है। तो मानव मुख और नाक की नली किससे मिलती है, ग्रसनी से मिलती है, ठीक है। और जो ग्रसनी होते हैं यह दो भागों में बंटा होता है, एक भाग होता है निगल द्वार, एक होता है निगल द्वार जिसको बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है कंठ द्वार। क्या होता है, कंठ द्वार। फिर सुनिएगा, मानव श्वसन तंत्र एक जटिल रचना होता है, मानव मुख और नाक की नली जो होती है वह ग्रसनी से मिलता है, ग्रसनी के दो भाग होते हैं, एक होता है निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार, ठीक है। और जो निगल द्वार होता है यह आगे जाकर मिलता है आहार नाल से। आहार नाल का मतलब कि वैसन अंग से मिलता है जो हमारे भोजन को पचाता है, जो हम लोग खाना खाते ना उस भोजन को क्या करता है, पचाता है। तो एक निगल द्वार होता है जो मिलता है आहार नाल से, और एक कंठ द्वार जो होता है यह मिलता है किसे, फेफड़ा से मिलता है। और फेफड़ा से मिलने के क्रम में क्या होता है कि जो कंठ द्वार होता ना है, एक कंठ द्वार के ऊपर एक वो ढक्कन होता है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस कहते हैं। इसमें आप देखे होंगे कि खाना खाते समय यदि भोजन इसमें चल जाता है तो यह एक बार छींकता आदमी ना, यानी इसमें खाना जाएगा ना तो आदमी छींक देगा, यह ढक्कन उस खाना को बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो देखिए दोनों तो नली एक ही होता है, एक नली मिलता है निगल द्वार से, एक कहाँ होता है, कंठ द्वार। निगल द्वार जाकर मिलेगा आहार नाल से, और जो कंठ द्वार रहेगा ये कंठ द्वार के ऊपर एक खाना ढक्कन होता है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस, जो कि हर एक भोजन को इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से भेजता है, क्योंकि इस पे एक ढक्कन होता है जो रोकता है भोजन को, ठीक है। अब इस एपिग्लोटिस के नीचे ये वो पत्ती नुमा रचना होता है, पत्ती जैसे देखे ना, इस पत्ती नुमा एक रचना होता है जिससे हम कहते हैं लैरिंग्स, और इस लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं। साउंड बॉक्स समझते ना, साउंड बॉक्स ही आवाज निकालता है, कहीं बाजा बजते देखे होंगे ना, तो उसमें जब तक साउंड बॉक्स नहीं रहेगा ना तो आवाज नहीं निकलता है। यानी वैसे ही हमारे शरीर का भी एक अंग है लैरिंग्स, जिसको साउंड बॉक्स कह सकते हैं, जिससे आपका आवाज निकलता है। हम भी बोल रहे हैं ना, यह आवाज किससे निकल रहा है, लैरिंग्स से निकल रहा है, ठीक है। तो इसे हमारे शरीर का साउंड बॉक्स कहा जाता है। आपसे पूछे कोई क्वेश्चन कि हमारे शरीर का साउंड बॉक्स किसे कहते हैं, तो किसे बोलते हैं, लैरिंग्स को कहा जाता है, ठीक है। और इस लैरिंग्स के नीचे एक नलीनुमा रचना होता है, नलीनुमा रचना होता है जिसे हम श्वास नली कहते हैं, इसको ट्रेकिया कहते हैं इंग्लिश में, ट्रेकिया, ठीक है, इसको श्वास नली कहते हैं। और ये श्वास नली की लंबाई होती है दोस्तों 8 से 11 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 8 से 11 सेंटीमीटर होता है। किसकी लंबाई होती है, श्वास नली की लंबाई होती है। और यही श्वास नली आगे की ओर जाकर फेफड़ा में, इस लंग्स है, इसको फेफड़ा कहते हैं, लंग्स इसी को फेफड़ा कहते हैं, इस फेफड़ा में जाकर दो भागों में बढ़ जाता है। कौन बढ़ता है, श्वास नली, यह जाता है फेफड़ा में और दो भागों में बढ़ जाता है, और दोनों भागों में बढ़ता ना है, इसी को हम कहते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस, ये ब्रोंकस में देख रहे होंगे कि आगे जाकर कई भाग
बढ़ता है, नहीं बढ़ रहा है, ये जो बटा हुआ हिस्सा है ना, इसी को हम कहते हैं ब्रोंकाइस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइस। और इस ब्रोंकाइस के ऊपर कई सारे गोल गोल रचना होती है, ठीक है ना, गोल गोल रचना। इस गोल गोल रचना को हम कहते हैं वायु कोष्ठ कहते हैं। और इस वायु कोष्ठ की संख्या लगभग 3×10⁸ होता है, ठीक है। जितना प्रकाश का वेग होता है ना, आप जानते हो प्रकाश का वेग होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। उतना ही का संख्या होता है आपके फेफड़े में, वो वायु कोष्ठ की संख्या कितनी होती है, 3×10⁸ होता है। और इस फेफड़े के सबसे निचले हिस्से को हम कहते हैं डायफ्राम, जो कि नीचे आमाशय से कंसल्ट होता है, ठीक है। यह दोनों जो होता है ना, ये दोनों भगवा के बोले क्या बोलेंगे, डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। अब एक बार का फिर सुन लेते हैं, समझिएगा बढ़िया से। देखिए, मानव श्वसन तंत्र एक जटिल रचना होता है। मानव मुख और नाक दोनों की नली ग्रसनी से मिलता है, और ग्रसनी के दो भाग होते हैं, एक होता है निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार, ठीक है। निगल द्वार यह मिलता है आहार नल से, और कंठ द्वार मिलेगा वह मिलेगा फेफड़ा से। जिसमें आपको बताएं कि कंठ द्वार के ऊपर एक ढक्कन होता है, जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस, जो कि भोजन को फेफड़ा में जाने से रोकता है, ठीक है। अब एपिग्लोटिस के नीचे यहाँ पर एक पत्ती नुमा रचना होता है, जिसको हम लरिंग्स कहते हैं, जिसे साउंड बॉक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमारे शरीर का साउंड बॉक्स किसे बोलते हैं, लरिंग्स को बोलते हैं। और इस लरिंग्स के नीचे एक नली नुमा रचना होती है, जिसे श्वास नली कहते हैं। और यह श्वास नली उपास्थि का बना होता है, बात सुनिएगा, यह उपास्थि का बना होता है। उपास्थि नहीं समझ रहे, अस्थि एक होता है उपास्थि, ठीक है। अस्थि मतलब जो हड्डी आपका नहीं रहे वाला हड्डी, जो कभी नहीं मुड़ सके, यह आपका अस्थि हुआ हड्डी। और उपास्थि मतलब देखिए, हमारे हम लोग कान का हड्डी एकदम तुरंत मुड़ जाता है, नहीं मुड़ जाता है। यहाँ पर भी हड्डी है लेकिन मुलायम हड्डी होता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, उपास्थि कहते हैं। हमारे श्वसन तंत्र ही देखिए नहीं मुड़ रहा, मुड़ता ना, यानी जो श्वास नली होता है यह उपास्थि का बना होता है, इसलिए लचीला होता है, ठीक है। तो यह इसकी लंबाई कितनी होती है, 8 से 11 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब चलिए, श्वास नली आगे की ओर जाकर दो भागों में बढ़ता है, किसमें, फेफड़ा में। और ये दोनों भाग जो बढ़ता है, इसे क्या बोलते हैं बाबू, ब्रोंकस कहते हैं। और ब्रोंकस भी कई भाग में बढ़ रहा है, इसे हम ब्रोंकाइस कहते हैं। और ब्रोंकाइस के ऊपर बताएं गोल गोल रचना होती है, जिसे वायु कोष्ठ कहते हैं। और ये वायु कोष्ठ की संख्या 3×10⁸ होता है। और बताएं कि यह जो होता है ना, फेफड़े के जो सबसे निचले हिस्से होता है, इसे हम डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, एकदम आराम से बोल रहे हैं, आप वीडियो को रोक रोक के लिखिएगा। और बताइए कि जब नहीं लिखा है आपसे ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा एक टेलीग्राम का एक चैनल बना हुआ है, उस पर आप आगे कॉन्टेक्ट हो जाइए, ऐड हो जाइए। ऐड होने के बाद उसको आपका PDF दिया जाएगा, जो आपका पढ़ाई हो रहा ना है, इस सब का नोट्स का PDF दिया जाएगा, उस पर आप नोट कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल है इसी का, डायनेमिक टीचिंग सेंटर के नाम से, ठीक है। तो चलिए फिर सब बता देते हैं बढ़िया से, धीमे धीमे जैसे बोलेंगे वैसे लिख लीजिएगा। आप वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। खाली भाषण सुनने से काम नहीं चलेगा, इसको आप लिखिएगा और याद कर लीजिएगा। जब भी क्लास में आपको मिलेंगे हम दोबारा के लॉकडाउन खुलने पर, तो आपसे सुना जाएगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन था मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। सबसे पहले इसको वीडियो को स्टार्टिंग में ही जहाँ थे वहीं पर वीडियो को रोकेंगे, और इसको क्या करेंगे, फोटो बना लेंगे। अब यहाँ से ऐसा कैसे लिखेंगे, बोलेंगे मानव श्वसन तंत्र एक जटिल रचना होता है। मानव मुख की नली जो मानव मुख और नाक की नली ग्रसनी से मिलती है। ग्रसनी के दो भाग होते हैं, एक होता है निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार, ठीक है। और निगल द्वार यह मिलता है आहार नल से, जिसको हम बताएं कि आहार नल से मिलता है, जो वो आहार नल मतलब कुछ है जहाँ पर भोजन बचता है, उस अंग से मिलता है। और कंठ द्वार जो होता है यह मिलता है फेफड़ा से। कंठ द्वार के ऊपर एक ढक्कन होता है, जिससे एपिग्लोटिस कहते हैं। इसके नीचे एक पतली नुमा रचना होता है, जिसे लरिंक्स कहते हैं, इसे साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। और इसके नीचे एक नली होती है, जिसकी लंबाई 8 से 11 सेंटीमीटर होता है। और इससे यह जो बना होता है, यह उपास्थि का बना होता है, ठीक है। यह श्वास नली फेफड़ा में जाकर दो भागों में बढ़ जाता है, और जिसे हम ब्रोंकस कहते हैं। और ब्रोंकस भी
कई भाग में बढ़ता है जिसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस के ऊपर कई सारे गोलाकार रचना होती है जिसे हम वायु कोष्ठ कहते हैं, और वायु कोष्ठ की संख्या 3×10^8 होता है, ठीक है। और जितना बताया ना बाबू, यहाँ से यहाँ तक जितना बताएं ये आप रोक रोक के वीडियो पर लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर आइएगा चैनल पे, वहीं पर आपको बता देंगे, पीडीएफ भेज दिया जाएगा, पीडीएफ आप नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जानते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर छोटा था लेकिन दमदार, इसमें से क्वेश्चन पूछता है, आप बढ़िया से उसको याद कर लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछता है कि पौधे में श्वसन और जंतुओं में श्वसन में अंतर बताइए। यानी कि पौधे में जो श्वसन होता है ना, पौधे में श्वसन कैसे होता है और जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, आखिर दोनों के श्वसन क्रिया में अंतर क्या है, ये बताना होता है। क्वेश्चन आपका सुनिए, पौधे में श्वसन जंतुओं में श्वसन में अंतर बताएं, ठीक है। ऐसा सुनिए, अंतर इसका पहला ध्यान दीजिएगा। देखिए पौधे में श्वसन क्रिया के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। कि आप देखें कभी कभी कि जा रहे हैं बगीचे में, पौधे का बड़का हुआ नाक लटकल है, नाक से खूब सांस लेने में लगल है, कभी देखें ऐसा नहीं होता है। पौधे में श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, यह विभिन्न अंग के द्वारा विभिन्न प्रकार से करता है। यह श्वसन क्रिया विभिन्न अंग के द्वारा विभिन्न प्रकार से करता है, लेकिन जंतुओं में विशेष अंग होता है। विशेष अंग कहने का मतलब देखिए, मानव में नाक होता है जिसे सांस लेता है, ठीक है। हाथी में सूंड होता है जिसे सांस लेता है, ठीक है। यानी कि जंतुओं में सभी में विशेष अंग होता है जिसे सांस ले सकते हैं। क्या बताओ, हम लोग हाथ से सांस लेते हैं का, कहाँ से सांस लेते हैं का, नहीं, हम लोग का एक विशेष अंग होता है जिससे हम लोग सांस कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि पहला अंतर ये हो गया कि पौधे में श्वसन क्रिया के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, यह विभिन्न अंग के द्वारा विभिन्न प्रकार से श्वसन क्रिया करता है, और जंतुओं में श्वसन क्रिया के लिए विशेष अंग उपस्थित होते हैं, ठीक है। नंबर टू इसका अंतर है कि पौधे में श्वसन गैस, जैसे हम लिए O2, श्वसन गैस नहीं हुआ, पौधे में श्वसन गैस का परिवहन सुविधा होता है। परिवहन करने का मतलब कि यहाँ से वहाँ गैस जाता है। जैसे बताइए, हम लोग नाक में सांस लेते हैं, नाक में जाता है, नाक से कहाँ जाता है, फेफड़ा में, फेफड़ा से कहाँ जाएगा, कोशिका में जाता ना है। यानी कि हम लोग शरीर में गैस यहाँ से वहाँ जाता रहता है, परिवहन होता रहता है, ठीक है। तो पौधे में श्वसन गैस का परिवहन सुविधा नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, लेकिन जंतुओं में सुविधा होता है। कौन सी की सुविधा होता है बाबू, श्वसन गैस का परिवहन सुविधा इसमें नहीं होता है, इसमें सुविधा होता है। यानी कि पेड़ पौधे में श्वसन गैस यहाँ से वहाँ ट्रांसफर नहीं होते हैं, लेकिन जंतुओं में श्वसन गैस यहाँ से वहाँ जाते हैं, ठीक है। थर्ड इसका अंदर देखिए, थर्ड में क्या होगा कि पौधे में जो श्वसन क्रिया होता है, यह जंतुओं के अपेक्षाकृत धीरे धीरे होता है, ठीक है, धीरे धीरे होता है। किसमें होता है बाबू, पौधे में जंतुओं के अपेक्षा क्या होता है, धीरे धीरे होता है, और जंतुओं में क्या होता है, श्वसन क्रिया तेजी से होता है। बताओ कभी देखा है कि पेड़ पौधे जो होते हैं रात में खूब फुफकार मार के आवाज कर रहे हैं, कभी देखा है कि रास्ते में जा रहे हैं अब खूब आवाज करके सो रहा है, और ऐसा नहीं होता है। हालांकि जंतुओं में, इससे मानव में देख लीजिए ना, गर्मी के मौसम में किसी गली में से गुजरिए, वहां से देखिएगा पूरा आवाज करता रहेगा। किसी कितने बूढ़े मतलब के लोग होते हैं ना, उनका बड़ा बड़ा पेट फूल रहा, खूब नाक से आवाज निकलता है, ऐसा होता ना। तो देखिए जंतुओं में श्वसन गैस जो श्वसन क्रिया होती है यह तेजी से होता है, लेकिन पौधे में क्या होता है, धीरे धीरे होता है। कभी भी आप पौधे को सांस लेते नहीं सुनिएगा, कभी सुना कब आप सांस ले रहा है, ठीक है। तो देखिए सुनिएगा, पहला इसका अंतर है, पौधे में कोई विशेष अंग नहीं होता है, किसके लिए, श्वसन गैस के लिए, जंतुओं में विशेष अंग होता है। नंबर टू, पौधे में श्वसन गैस का परिवहन सुविधा नहीं होता है, और जंतुओं में श्वसन गैस का परिवहन सुविधा होता है, ठीक है। चलिए अब थर्ड अंतर है, पौधे में श्वसन क्रिया अपेक्षाकृत धीरे धीरे होता है, और जंतुओं में श्वसन क्रिया अपेक्षाकृत कैसे होता है, तेजी से होता है।
तो आप कॉपी में फिर दोनों को बांट लीजिएगा। क्वेश्चन सुने थे ना, पौधे में श्वसन और जंतुओं में श्वसन मंत्र बताइए, ठीक है। तो इसका पहले पौधे में श्वसन एक तरफ लिखिएगा, एक तरफ जंतुओं में श्वसन, और दोनों बात करके देखिए बोलते हैं उसे लिख लीजिएगा। एक हम पहला में क्या लिखेंगे कि पौधे में श्वसन गैस का प्रयोग, श्वसन क्रिया के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, इसमें विभिन्न अंग के द्वारा विभिन्न प्रकार से होता है, ठीक है। इसमें लिखेंगे पहला में जंतुओं में श्वसन क्रिया के लिए विशेष उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब इसमें नंबर टू इतना बोल दिया ना, वीडियो को अपलोड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा तब आगे सुनिएगा। नंबर टू सुनिएगा, पौधे में श्वसन गैस जैसे O2 CO2 छोड़े है ना, तो श्वसन गैस का परिवहन सुविधा नहीं होता है किसमें, पौधे में, लेकिन जंतुओं में श्वसन गैस का परिवहन सुविधा होता है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा थर्ड में, पौधे में श्वसन क्रिया अपेक्षाकृत धीरे धीरे होता है, इसमें लिखेंगे। अब इसमें लिखेंगे जंतुओं में श्वसन क्रिया तेजी से होता है, ठीक है। अब इतना ही के बाद आपका ये चैप्टर खत्म है, लेकिन इसमें का दो ऑब्जेक्टिव पूछता है, सुनिएगा। देखिए सर आपके आंसर इसे कंप्लीट हो गया, वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। अब एक बात और, जब भी हम लोग सांस लेंगे तो उसको बोलते हैं प्रश्वास कहते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग सांस लिए ना, सांस लिए इसको प्रश्वास कहते हैं, जब हम लोग सांस छोड़ दिए उसको हम कहते हैं उच्छ्वास, ठीक है, उसको उच्छ्वास कहते हैं। और सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यह दोनों क्रिया कराता है स्वच्छ्वास, ठीक है, स्वच्छ्वास कराता है, ठीक है। जब हम लोग सांस लिए तो क्या कहलाएगा, प्रश्वास, और जब सांस छोड़ दिए तो क्या कहलाएगा, उच्छ्वास, और जब सांस लिए और सांस छोड़े यह दोनों जो क्रिया साथ हुआ उसे क्या बोलेंगे, स्वच्छ्वास कहेंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग इतना समझ में आया होगा, यदि समझ में नहीं आए तो इस टॉपिक के नाम लिखकर कमेंट कीजिएगा, आपको अगले क्लास अगले जो पार्ट बनेगा ना उसमें बता देंगे। ऐसा आपका श्वसन चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, अगला जो पार्ट बनेगा वह परिवहन का बनेगा, चैप्टर नंबर 3 का बनेगा, ठीक है। और क्लास आपका पिछले कुछ दिन से मतलब एक दिन वीडियो अपलोड किए थे फिर गैप हो गए थे, अब आपका लगातार वीडियो अपलोड होगा, और देखिएगा इसको और साथी के बीच से शेयर कीजिए, और बाकी यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपका जो भी वीडियो बीच बीच में कभी अपलोड होते रहे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए, ठीक है दोस्तों, ठीक है।